हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या आईएक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दिसंबर 3 को आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस अचानक से गिर गया है आईएक्स का। तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आप यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईएक्स का क्या बिजनेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, इन सब के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दिसंबर 3 के साथ। देखिए, दिसंबर 3 को आप देखेंगे स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। अब देखिए, यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक एजम्पशन लेते हैं कि 2 दिसंबर को आईएक्स का स्टॉक प्राइस बंद होता है, समझ लीजिए 750 में। मैं 1 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, मैंने एक एजम्पशन लिया 750 में ये बंद होता है। ठीक है, 700 में भी हो सकता है, 680 690 में भी हो सकता है, लेट्स से 750 में होता है। तो 3 तारीख को ये ओपन होगा 250 में होगा। और ये क्यों है, क्योंकि आईएक्स बोनस देने जा रही है। 3 तारीख जो है वो एक्स बोनस डेट है और उस दिन ये एडजस्टमेंट होने वाला है। तो अगर आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कैसे यहां कैलकुलेट करना है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, समझ लीजिए आपके पास एक शेयर है, 750 के भाव में ही है, ये 2 तारीख का भाव एजम्पशन है। फिर से मैं बताता हूं, 2 तारीख का जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से एडजस्टमेंट होने वाला है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास एक शेयर है 750 में और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 750 रुपए की ही रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है, 2:1 के रेशियो में बोनस होगा। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, तो आपके पास जो टोटल शेयर जो हो जाएंगे वो 3 शेयर हो जाएंगे। तो ओपनिंग जो होगी उस हिसाब से 250 रुपए में होगी। तो चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, स्टॉक प्राइस कम हुआ और आपके पास बोनस शेयर आ गए। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आईएक्स के आपके पास 5 शेयर हैं, तो आपके पास टोटल 15 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास 40 शेयर है तो 120 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास समझ लीजिए 100 शेयर है तो 300 शेयर हो जाएंगे। तो ओवरऑल कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला है दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों मैं न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस ट्रेंड्स में समझाता रहता हूं, उसके बारे में रिसर्च करता रहता हूं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, मेरा ऐसा पूरा मानना है दोस्तों। अब बोनस शेयर जो होगा आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखाएगा, आपको अचानक से लगेगा। आपका जो भी पीएनएल है, जो भी आप देखेंगे आपका पीएनएल स्टेटमेंट, जो जहां पर भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, आपको देखेगा कि अरे ये स्टॉक तो बहुत नीचे गिर गया है और आपको जबरदस्त लॉस देखने को मिलेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने पिछले मैंने देखा हुआ है। तो डीमैट में वो शो नहीं करेगा, तो डीमैट में भी आपको घबराना नहीं है, डीमैट में भी ये शेयर जो है क्रेडिट हो जाएंगे, दिसंबर 20 या उससे पहले क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 तारीख ही है, 3 तारीख शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार को क्रेडिट नहीं होगा, फिर छुट्टियां हैं, तो उसके बाद आपको कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप फिर पैनिक में आकर अगर आप सेल भी करना चाहें तो भी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोनस शेयर जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे यहां 20 तारीख तो कंपनी ने ऑफिशियल कहा है, लेकिन 20 से पहले हो जाता है जनरली, तो यहां आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये एक चीज है, किसे मिलेगा बोनस शेयर। अब बोनस शेयर जिनके पास भी 3 दिसंबर से पहले स्टॉक है उनको मिलने वाला है। मतलब आपने 2 तारीख को स्टॉक खरीदा है मिलेगा, 1 तारीख को खरीदा है मिलेगा, आपने नवंबर में कभी खरीदा है, अक्टूबर में खरीदा है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 1-6 महीना 1 साल पहले खरीदा है, आपने बेचा नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आप 3 तारीख को खरीदते हैं तो बोनस शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस नीचे हो चुका है, तो कैसे बोनस शेयर मिलेगा। तो इसीलिए 2 तारीख अगर आपने खरीद लिया है, और यहां मैं इंट्राडे उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो तब आपको बोनस शेयर यहां पर मिलेगा। अब बाइंग प्राइस भी जो है वो भी कैसे एडजस्ट होगी। अब देखिए, आईएक्स ने पिछले कुछ महीनों में 300 का भी प्राइस, 400, 500, 600 सब प्राइस रेंज इसमें देखें, तो मैंने एक लेट्स से एजम्पशन लिया है, ये सितंबर एंड और अक्टूबर की शुरुआत में ये 630 का भाव था, एक मैंने एक एजम्पशन लिया है। समझ लीजिए आपने 630 में बाई किया है आईएक्स का स्टॉक। ठीक है, तो आपका भी जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से आपको 210 रुपए का एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी बाइंग प्राइस 210 हो जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा क्या 2 दिसंबर का, इसलिए मैं रिपीट कर दूं, आप ये मत मान लीजिएगा कि 750 है तो 750 250 में खुलेगा। 2 तारीख को जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगी उसके हिसाब से आईएक्स का प्राइस 3 तारीख को ओपन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब
आईएक्स करती क्या है, बिजनेस क्या है दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं, वहां पर आप ट्रेडिंग भी करते होंगे, बीएससी एनएससी आता है ना, तो वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो है आईएक्स। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मार्केट लीडर है आईएक्स, तो ये आपको हमको खरीदना है तो हमारे लिए नहीं है, तो इनके कस्टमर्स अलग है, इंडस्ट्रीज है इनके कस्टमर्स, डिस्कॉम्स है इनके कस्टमर्स, जनरेटर्स है, पावर जनरेटर जो है वो इनके कस्टमर्स हैं। अब क्या आईएक्स प्रॉफिट करती है या लॉस मेकिंग कंपनी है? तो देखिए यहां पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 122 करोड़ का रेवेन्यू है, अब ये क्वार्टर टू का डेटा है इसलिए मेरे पास ये लेटेस्ट डेटा भी है, मतलब जुलाई से सितंबर का 122 करोड़ का रेवेन्यू है और उसमें वो कमा रही है 77.7 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मार्जिन लगभग लगभग 65% है। मतलब समझ लीजिए आपको एक चीज बेचते हैं तो आप मार्जिन करते होंगे, 2% मार्जिन, 5%, 10% मार्जिन, 20% मार्जिन, 65% का मार्जिन है जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनियों के पास है। और ग्रोइंग कंपनी भी है, लगभग कुछ सालों में इसका 32% का ग्रो भी हुआ है, तो ये एक ग्रोथ स्टॉक है। अब ग्रोथ स्टॉक भी होते हैं, वैल्यू स्टॉक भी होते हैं, तो ग्रोथ स्टॉक जनरली मार्केट में पिछले कुछ सालों में हमने देखा सस्ते में नहीं मिलते, वैल्यू स्टॉक जो है थोड़ा सस्ते में मिलते हैं। तो एनीवे वैल्यू स्टॉक्स अगर आप समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने कुछ लाइव मास्टर क्लास ली है, वो भी आप देख सकते हैं, जहां मैं एजुकेटर हूं ग्राफी में, वो भी आप क्लास देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है। तो ये ग्रोथ स्टॉक है जो मुझे लगता है ग्रो कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए पिछले साल का तो डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे क्वार्टर वन में 103 करोड़ था तो 122 करोड़, प्रॉफिट भी 63 करोड़ से 77 करोड़, और ऐसे ही प्रॉफिट जो है इस हिसाब से इनके बढ़े भी हैं। तो ये सब चीजें, बाकी ये आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है वो चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, थोड़े वैल्यूएशन इसके हाई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।